बैक टू द चैनल। आज हम फिर एक नए वीडियो को लेकर सो आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं इंडिया बुल रियल एस्टेट के बारे में। तो जितनी तेज इसमें शार्प फॉल आया था वहाँ पे आज हम लोग को मार्केट रिकवर होते हुए दिखी। इसने अप्रॉक्स 0.18% का रिकवर कर लिया और इसका करेंटली प्राइस जो क्लोज हुआ है वो 55.50 पे क्लोज हुआ है। सो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करो। सो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, जब तक कि इस बॉक्स में फंसा रहेगा इस रेंज बॉन्ड को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले थे हम, क्योंकि अगर इस रेंज बॉन्ड को तोड़ता तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा शॉर्ट का ऑप्शन हम लोग को मिल सकता था। लेकिन जब तक इसमें यहाँ पे ये शॉर्ट नहीं करता था हम लोग यहाँ पे किसी तरह की कोई ट्रेड नहीं बनाने वाले थे। हम लोगों को पूरा पूरा वेट करना था इस बॉक्स के टूटने का, चाहे वो एक दिन में टूटे, तीन दिन में टूटे, चाहे एक हफ्ते में टूटे, लेकिन उस बॉक्स के बिना हम लोग ट्रेड नहीं करने वाले थे। सेम वैसे ही आज मार्केट में हम लोग को देखने को मिला। आप लोग प्रीवियस वीडियो से मैच कर सकते हो, सेम टू सेम डिक्टो वाई चीज़ें हुई हैं। अगर मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ले चलूँ और आज की मार्केट को थोड़ा क्लियरली दिखाऊँ जूम आउट करके, तो आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, जो रेजिस्टेंस पॉइंट हम लोगों ने कल यहाँ पे बनाया था, इसका मतलब जो इसका मैंने रेजिस्टेंस पॉइंट बनाया था कि इसका इंपॉर्टेंट होने वाला है इस बॉक्स का, सेम इसने उसी पे बार बार जाके रेजिस्टेंस और सपोर्ट को फेस किया। मतलब ये एक बार नीचे तोड़ दिया, उसके बाद ऊपर आया, लेकिन अपने आप को ये यहाँ से अपने आप को बचा नहीं पाया। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट हो गया और अपने इस पॉइंट को बचा नहीं पाया। अभी भी ये मार्केट पूरी तरीके से इनडिसीजन में है स्टॉक की। जब तक ये इस बॉक्स के अंदर या ऊपर कुछ नहीं करता, हम लोग इसमें किसी तरह की कोई ट्रेड बना ही नहीं सकते। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, तो आज जितने भी बायर्स हैं सेलर्स हैं सबको देखो कितना ज़्यादा इनडिसीजन है। मतलब किसी ने एक तरफा मूव नहीं ले पाए, सबने कोशिश करी, कोई ऊपर खींच रहा है, कोई नीचे खींच रहा है, लेकिन स्टॉक को एक तरफा कोई नहीं खींच पाया। मतलब पूरे मार्केट में इनडिसीजन बनी रही और मार्केट कंसोलिडेट कर गई इस स्टॉक की। सो हम लोग का अगला डिसीजन क्या होगा इसमें, अगर ये बॉक्स के अंदर वापस आती है और नीचे की तरफ जाती है तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड बनाएंगे, जो कि हम लोगों के टारगेट्स बहुत ज़्यादा बना रखे हैं यहाँ पे और हम लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है ये स्टॉक। लेकिन अगर आप लोग कई लोग पूछेंगे कि अब क्या करें अगर ये पुट साइड जाता है, तो देखो भाई, जैसे इसको पुट साइड जाना होगा तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे अमाउंट से बाइंग देखने को मिलेगी। सो बाइंग हम लोग तभी करेंगे यहाँ पर जब 58 के ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन जिस हिसाब से कंसोलिडेट कर रहा है, ये एक तरफा मूव बहुत जल्द देने वाला है। सो उस एक तरफा मूव को कैप्चर करना हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो फिर हम लोग इसको इंपॉर्टेंस देने वाले हैं हम यहाँ पे दो बॉक्स को, यानी कि 58 से लेकर 50 के बीच में ये 8 पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जहाँ पर आपको बायर सेलर ज़्यादा एक्टिव दिखेंगे। हम लोग भी इसे उसी तरफ ट्रेड करेंगे। और अगर आप लोग कॉल में ट्रेड करते हो, कल ही ये सिनेरियो बन जाता है कि ये ऊपर की साइड ब्रेक दे देता है, तो हम लोग ज़्यादा ज़्यादा सिर्फ 64 तक के टारगेट रखेंगे। 64 के ऊपर टारगेट इसमें नहीं रखेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए, ठीक है। हम लोग बात करें एक बार फिर से, तो पुट साइड हम लोग 50 के नीचे जाएंगे और कॉल साइड हम लोग 58 के ऊपर जाएंगे।